नमस्कार, मैं वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार के शिवहर में श्री नारायण सिंह की हत्या हो गई। श्री नारायण सिंह की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक गैंग वॉर में श्री नारायण सिंह की हत्या की गई। श्री नारायण सिंह के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में शिवहर से उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या का हुआ खुलासा। गैंगस्टर संतोष झा के सहकर्मी विकास झा उर्फ कालिया ने दिल्ली तिहाड़ जेल से रची थी हत्या की साजिश। पटना राजद कार्यालय तक किया गया था श्री नारायण सिंह का पीछा। नामांकन के दिन हत्या करने शिवहर पहुंचा था शूटर। भारी पुलिस रहने के कारण नहीं कर पाया था हत्या। कालिया को गैंगस्टर संतोष झा की हत्या में श्री नारायण सिंह के शामिल होने का विश्वास था। गिरफ्तार शूटर नीरज पाठक ने खुलासा किया। आपराधिक वर्चस्व में श्री नारायण सिंह की हत्या हुई। SP संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मौके पर SDPO राकेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी थे मौजूद। जी, सोनेगा थाना अंतर्गत हथसार गांव में परसों यानी कि 24/10 को शाम में, जैसा कि आप सभी को पता है, जनता दल राष्ट्रपति पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह जब चुनाव के प्रचार के दौरान भ्रमणशील थे, उस समय कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो कि समर्थक के रूप में उनके साथ भ्रमणशील थे और उन्होंने मौका पा करके नज़दीक से गोली चलाया और उनकी हत्या की। हम लोगों ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए विशेष अनुसंधान दल बनाया और पारंपरिक और जो इसका टेक्निकल सपोर्ट होता है उसको लेते हुए कांड का पूर्णतः सफल उद्भेदन कर दिया है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये कांड पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंद्वता को लेकर कार्य की गई और श्री नारायण सिंह जिनकी हत्या की गई है वो एक उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है और मेरे पास उनका 30 कांडों का, गंभीर कांडों का आपराधिक इतिहास है जो आप सबों को दे दिया जाएगा। तो इस कांड का मुख्य जो कारण है वो ये है कि अभी विकास झा उर्फ कालिया, जो कि संतोष झा गिरोह का सरगना आदमी बन चुका है संतोष झा की मृत्यु के पश्चात, उसे ये लगता है कि संतोष झा की हत्या में श्री नारायण सिंह के साथ साथ अन्य लोगों की भी भागीदारी और उसको इसके लिए जिम्मेदार मानता है। और दूसरी उसकी बात है कि अगर वो इसका एलिमिनेट कर देता है तो उसका अपना वर्चस्व भी कायम हो जाएगा। तो एक तरफ वो बदला लेने के लिए और दूसरी तरफ अपना वर्चस्व भी कायम करने के लिए इसकी हत्या करना चाहता था इनकी, और इसके लिए वो कई महीनों से, जैसा कि जो शूटर पकड़ाया है उनके द्वारा भी बताया गया और इसका हम लोगों ने अन्य प्रकार से भी तकनीकी अनुसंधान किया है, पिछले 3-4 महीनों से वो इस पर काम कर रहा था और 2.5-3 महीने से इनने 3 लोगों को हायर किया था, जिसमें कि गौरी शंकर महाराज और किशन झा जो कि सीतामढ़ी के हैं, रूमी सैदपुर मानिक चौक से, दूसरा नीरज पाठक और तीसरा बाबू साहेब झा, और विकास झा दिल्ली के तिहाड़ जेल से बैठ करके इन लोगों से कोऑपरेट करता है। इन्हें इसके लिए लगातार लगाया गया था, इन लोगों के द्वारा मारने के लिए पटना भी ये लोग रहे थे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।